एक बार फिर से लगातार कवरेज में आपका स्वागत है। चौथे दौर का मतदान, 72 सीटों पर वोटिंग। आज तक के हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों पर हमारे साथ मौजूद, हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे 6 रिपोर्टर्स अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं अनंतनाग से, जिसमें अलग अलग फेजेस में वोटिंग हो रही है, वो भी हमारे साथ आएंगे। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं कुमार कुणाल के पास, जिनके साथ हम बातचीत कर रहे थे। इस बीच हम आपको दिखा दें अलग अलग मुंबई में जो चौथे चरण में प्रमुख महिला उम्मीदवार हैं, पूनम महाजन, प्रिया दत्त, उर्मिला मटोंडकर। इधर नीचे देखिए आप, चाहे वो उत्तर प्रदेश में कन्नौज सीट पर डिंपल यादव हो या अनंतनाग से महबूबा मुफ्ती, और फिर छठी तस्वीर जो आप देख रहे हैं उसमें राजसमंद से दिया कुमारी। इन सब के लिए 6 प्रमुख महिला उम्मीदवारों के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। कुमार कुणाल भी हमारे साथ बने हुए हैं, चलेंगे इटावा भी, लेकिन उससे पहले जल्दी से, चूंकि महिलाओं की बात हो रही है, इस बार आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे सहयोगी अशरफ के पास। अशरफ, महबूबा मुफ्ती ने आखिरी के दिनों में जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया है उसको लेकर देश भर में चर्चा हुई, विवाद हुए, लेकिन उनको पता है कि उनकी चुनावी जमीन की बिसात उस पर रखी जाती है और उसी पर सजाकर वो शह और मात का खेल खेलती है। आज वहां पर वोटिंग में दिलचस्पी लोगों की कितनी। बिल्कुल अंजना, आपने सही पकड़ा महबूबा की रणनीति को, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें वो सफल नहीं हो पा रही है। उसने पूरी तरह से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करने की कोशिश की, लोगों की भावनाओं को छूने की कोशिश की, उनके मुद्दों की बात की थी, लेकिन वोटर नदार्द है। अगर जो चौथा चरण हुआ था मतदान का, जो पहला चरण हुआ था अनंतनाग लोकसभा क्षेत्र में, अनंतनाग जिले में, वहाँ पर उनकी होम कॉन्स्टिट्यूंसी में 2% से थोड़ा ज़्यादा मतदान हुआ था। आज हम इस वक्त कुलगाम ज़िले में खड़े हैं, क्योंकि दूसरे जो हिस्से में हैं कुलगाम में अनंतनाग विधान लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होना है, और आप यहाँ हाल देख सकते हैं कि किस तरह से सन्नाटा सा छाया हुआ है। मेरे बदायें और ये पोलिंग बूथ जो है हायर सेकेंडरी स्कूल कैमू कुलगाम का है। 12 पोलिंग सेंटर इस हायर सेकेंडरी के भीतर आज लगाए गए हैं, लेकिन अभी तक एक भी मतदाता जो है रुख नहीं कर रहा है इस मतदान केंद्र का, जहां करीब 11,000 लोगों को आज दिन में वोट डालना था। और यही कुछ हाल दूसरे इलाकों से ही है। कल शाम से ही हिंसा कई जगहों पर हुई थी और उसका असर सड़कों पर भी दिख रहा है, मतदान केंद्रों पर भी दिख रहा है, और यही कारण है कि माना जा रहा है कि शायद यहाँ पर भी जिस तरह से बीज बिहारा और अनंतनाग में कम मतदान प्रतिशत रहा, कुछ ऐसा ही हाल यहाँ भी रहेगा। और कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती के लिए सबसे बड़ी चुनौती वही है, क्योंकि कहते हैं बिल्कुल अशरफ आपकी ये रिपोर्ट ही प्रमाण है कि उनका ये खेल किस तरफ बढ़ रहा है और लोग उसका क्या। अभी तक वो बता रहे हैं जहां पर 12 बूथ जिस स्कूल में बनाए गए हैं वहां पर कोई भी वोटर नहीं पहुंचा है। ये महबूबा मुफ्ती की कंस्टिट्यूएंसी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद भी हम लौट रहे हैं, तमाम हमारे सहयोगी बने हुए हैं, हमारे साथ कई मेहमान भी जुड़ेंगे। लगातार कवरेज आज तक पर जारी है, देखते रहिए आज तक।